हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? रोज़ रात को जब हम सोने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक अंश मर सा जाता है, और अगली सुबह जब हम उठते हैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जीवित हैं। साथ ही साथ इसलिए भी थैंक्स बोलते हैं भगवान को कि भगवान हमारे सारे परिवार वाले ठीक ठाक हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे रोज़ कई लाखों लोग हैं जो अगली सुबह सोने के बाद उठते ही नहीं हैं। आज की जनरेशन में सोने को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इनके कारण कुछ बच्चे तो सोते भी नहीं हैं ठीक से, और कुछ बुज़ुर्ग भी इसमें शामिल हैं। पर ज़्यादातर अनिद्रा की प्रॉब्लम 35 से 50 वर्ष के लोगों को ज़्यादा होती है। घर है, परिवार है, पैसा है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बच्चों की चिंताएं हैं, और आज की दुनिया की चिंताएं इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए और क्या नहीं। इसका सीधा सीधा असर उनकी नींद पर पड़ता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे सोएं, मैम नींद के टोटके बताएं, उपाय बताएं। दोस्तों, नींद नहीं आती, इसमें सपने नहीं आते, इतने सारे क्वेश्चंस क्यों हैं, नींद पर इतने प्रश्न आप क्यों बैठाते हैं? आज के बाद आपको ये करना ही नहीं है। जब सोने जाएं तो ये सोचना ही नहीं है कि सोना क्यों नहीं है। सोना मीन्स क्या? आप जब सोने जाते हैं तो आप कोई लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े नहीं होते, ना ही आप कोई दूसरे देश के वासी होते हैं। एक चाइनीज जिस तरीके से सोएगा, उसी तरह से एक रशियन सोता है, उसी तरह एक इंडियन सोता है, उसी तरह एक अमेरिकन सोता है। बस जब भी नींद आती है तो चाहे किसी भी देश का व्यक्ति हो, पृथ्वी के किसी कबीले में कोई आदिवासी हो या फिर कोई मॉडर्न साइंटिस्ट हो, स्पेस का मनुष्य, वो एक ही तरीके से सोता है। इसलिए जब सोने जाते हैं तो आपको बिना चिंता के सोना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या होता है, 99 के चक्कर में परेशान रहते हैं। पैसा, मुझे पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इस दुनिया में, और बहुत से व्यक्तियों को, जिनको खासकर पैसों की कमी रहती है, वो ही जान सकते हैं इस दुख को। इसलिए पैसों की कमी जब रहती है, घर में समस्याएं रहती है, अन्य तरह की दिक्कतें रहती है, तो घर में आया हुआ पैसा भी चला जाता है और फिर इंसान अपनी नींद खो जाता है। तो आज के बाद आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोना है। और कुछ ऐसे उपाय जो मैं बताऊंगी आज आपको, जिनको करके आप अगर रात को सोते हैं तो आपको कभी भी सोने में दिक्कत नहीं होने वाली है, आपकी किस्मत चमकती है, साथ में घर में पैसों की तंगी भी खत्म हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों के इन बताए गए उपायों से घर में साल भर पानी की तरह पैसा भरने लगता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में धन दौलत को पाने के लिए बहुत से साधनों का वर्णन किया गया है, जिनको प्राचीन काल से लेकर के आज तक लोग बताते आते हैं। खाकपति से लेकर खरपति बनने तक का सफर तय करते हैं, और खासकर जो मंत्र होते हैं, लक्ष्मी मंत्र आदि, स्तोत्र आदि, इनमें विशेषकर बहुत बहुत शक्ति होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, आज आपको एक दो शब्द का एक मंत्र बताऊंगी, चमत्कारी मंत्र, जिसको आपको सोने के पहले बोलना चाहिए, और कभी भी इससे धन की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी मंत्र का जप करने से पहले मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था रखनी चाहिए। मंत्र तो बताऊंगी, लेकिन कुछ और बातें हैं जो बेसिक्स हैं, उनको रोज सोने के पहले आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक अच्छी नींद प्राप्त कर सकें। सबसे पहले आपके घर पे मंदिर तो होगा ही, हर घर में एक छोटा सा ही सही पर मंदिर या भगवान का स्थान होता है। और सबसे पहले रात को अपने रूम में जाने के पहले उस मंदिर को, आपको द्वार है तो द्वार को बंद करें, और नहीं तो पर्दे का इस्तेमाल करके उसको ढक देना चाहिए, इसको पट लगाना कहते हैं। इसके बाद जब बेड पर जाएं सोने के लिए, तो सोने से पहले साफ पानी के द्वारा अपने पैरों को धोना चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, रोज सोने के पहले अपने पैरों को नहीं धोते हैं, तो इस तरह से आप लक्ष्मी को घर से खुद से दूर करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा दरिद्र रहता है जो सोने से पहले पैरों को नहीं धोता है। एक तो जूठे मुंह और दूसरा बिना पांव धोए कभी भी बिस्तर पर आपको नहीं जाना चाहिए। सोने से पहले प्रतिदिन बेडरूम में 2 टिक्की कपूर की या गूगल की आपको जला लेनी चाहिए। इससे आप जब सोएंगे तो आपको बेहद अच्छी नींद आती है, और साथ ही साथ आपके जीवन का तनाव खत्म हो जाता है। खासकर अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं तो आपको गूगल की धूप जलानी चाहिए। इससे पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाते हैं, और कपूर तो ऐसी चीज़ है कि कपूर आप अगर जला लेते तो उसके कितने फायदे होते हैं, वो आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी।
दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, बाधाएं आती है, मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती है, नज़र दोष हो जाता है बार बार घर में, नेगेटिविटी घर में बढ़ गई है, तो सोने से पहले आपको अपने पलंग या बिस्तर जिस पर आप सोते हैं उसके नीचे एक बर्तन में पानी रख लें और सुबह उठते ही उस पानी को घर के बाहर आपको डाल देना चाहिए। इससे आपके दुर्भाग्य जितना है वो दूर होता है, रोग शोक नहीं रहते घर में, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को घेरे हुए है तो वो दूर हो जाती है। रात को जो आप पीने का पानी रखते हैं उसमें संभव हो तो हमेशा चांदी के बर्तन में पानी रखें। चांदी का बर्तन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कोई गिलास में या जो भी बर्तन में आप पानी रखते हैं उसमें चांदी की अंगूठी डालकर पानी रखें। ये बहुत ही पुराना उपाय है दोस्तों, बहुत ही प्राचीन, सरल और बहुत चमत्कारी उपाय माना जाता है तंत्र में, और इससे निश्चित ही धन संबंधी मामलों में मनुष्य को राहत मिलती है। खासकर प्लास्टिक की बोतल यूज ना करें, तांबे के बर्तन में पानी लें और उसमें आप शहद की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। अब इस बर्तन के अंदर सोने या चांदी की कोई भी साफ धातु की अंगूठी या कोई भी चीज़ आप कॉइन डाल दें। सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए आपको ये पानी पीना चाहिए। आप देखेंगे आपका भाग्य सदा आप पर मेहरबान रहता है। और लेकिन ध्यान रखना है, पानी पीने के पहले आपको वो चांदी या सोने की धातु निकाल लेनी चाहिए। दोस्तों, आज रविवार की रात है और रविवार की रात का एक खास उपाय बताती हूँ। ये उपाय आपको सिर्फ रविवार के दिन ही करना है। एक गिलास में दूध भरकर आपको अपने सिरहाने रख लेना है। इसके लिए ध्यान रखें, नींद में ऐसा ना हो कि अचानक से नींद में आप दूध गिरा दें, तो थोड़े से डिस्टेंस पर रखें और सुबह उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के इस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा अगर आप हर रविवार रात को करते हैं कम से कम 23 रविवार तक, तो माना जाता है ये तांत्रिक उपाय है और इससे आपके ऊपर लगी हुई बुरी नज़र दूर हो जाती है। नकारात्मक शक्तियां अगर आपके घर पर बहुत ही कड़ाई से वास कर रही है तो उनका भी असर खत्म होता है। और कार्यों में अगर बहुत लंबे समय से आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इस उपाय को करने से आपके घर में पैसों की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा है, हर काम में विघ्न बाधा आती है, हानि ज्यादा होते हैं, दुर्भाग्य दूर नहीं होता, तो सोने से पहले आपको दो हरे नींबू ले लेना है और उनको अपने सिरहाने या बेहतर होगा तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। सुबह उठते ही इन हरे हरे नींबुओं को चार चार बराबर हिस्से में करके काट लें और इन नींबू को आपको चौराहे पर फेंक देना है। चारों दिशा में चार टुकड़े आपको फेंक देना है और फिर बिना पीछे मुड़े आपको अपने घर वापस आ जाना है और फिर हाथ मुंह धो करके घर के अंदर प्रवेश करें। इससे आपके दुश्मन कभी भी आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। ये आप सोने के पहले छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं। अब हम जिस बिस्तर पर सोते हैं कम से कम 6-7 घंटे के लिए तो रहते ही हैं और ये हमारी मन मर्जी का है तो शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं। आप देखेंगे आपको हमेशा, चाहे 3 घंटे की नींद हो, चाहे 10 घंटे की नींद हो या 8 घंटे की नींद हो, आप मन मर्जी से सो करके उठते हैं तो आपकी नींद पूरी होती है और जब आप उठते हैं तो आपके बॉडी की चुस्ती बनी रहती है, दिन भर की थकान उतर जाती है। और 6-7 घंटे हम इस बिस्तर पर बिताते हैं, इसलिए इस बिस्तर को हमेशा सुंदर, मुलायम और आरामदायक बनाकर रखें। ध्यान रखें, मजबूत होना चाहिए आपका सोने वाला बेड और चादर और तकिए का रंग ऐसा होना चाहिए जो हमारे आंखों को, हमारे मन को सुकून दे। कहते हैं कि सीधा सोए योगी, डाबा सोए निरोगी, जिमना सोए रोगी। शरीर विज्ञान कहता है कि चित्त सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, जबकि औंधा सोने से आंखों को नुकसान होता है। तो जब अब आप बिस्तर पर सोने जाएं, तो सोने से पहले आप अपने बिस्तर पर ये ध्यान दें आप किस प्रकार से सोते हैं। 10 मिनट बिस्तर पर जाने के बाद अपने आप के लिए दें, चाहे बैठ करके या लेट करके, पर जरा भी इस समय आपको नकारात्मक बातों का ख्याल नहीं करना है, क्योंकि सोने के पहले 10 मिनट का जो समय होता है वो बहुत ही संवेदनशील समय होता है। आपका अवचेतन मन जागृत होने लगता है और उठने के बाद भी सुबह कम से कम 15 मिनट्स आपको अपने बेड पर अगर आप रोज रहते हैं, आप देखेंगे आपका दिन बहुत ही सुव्यवस्थित जाता है। इस दौरान आप जो भी सोचते हैं वो वास्तविक रूप से एक्चुअल में लाइफ में घटित होने लगता है। ये चमत्कारी टाइम होता है जो आपको अपने लिए ज़रूर देना चाहिए। आप जो चाहेंगे जिंदगी में, माना जाता है, वो सब आपको मिलने लगता है। इसलिए ये 10 मिनट सोने के पहले आपको अच्छी बातें सोनी चाहिए।
बिस्तर पर बैठकर मानसिक तौर पर हर वो चीज़ को उठाकर एक तरफ रख दीजिए जो आपकी नहीं है। आपसे जुड़ी हर चीज़, जैसे आप आज आपको किसने क्या बोला, कौन कैसा है कैसा नहीं है, कौन अपना है कौन पराया है, अपनी जाति, अपना धर्म, अपनी राष्ट्रीयता, अपना शरीर, अपना मन, अपना विचार, अपनी भावनाएं, अपनी सोच, अपना दर्शन, अपने भगवान, यहाँ तक कि अपना शैतान भी, यानी हर चीज़ को आपको खुद से अलग करना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। आपके पैर किस दिशा में हो ये ध्यान दें। दक्षिण और पूर्व दिशा में पैर नहीं रखें। पैरों को दरवाजों की दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है और दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने से शांति, सेहत और समृद्धि मिलती है। इसलिए इस प्रकार ही अपने सिर की दिशा को रखें। अधोमुख होकर के दूसरे की शैया पर, टूटे हुए पलंग पर, गंदे बिछोने में, गंदे घर में आपको नहीं सोना चाहिए। सोने के पहले हमेशा अपनी जगह को साफ सुथरी करके आपको सोना चाहिए। अच्छी नींद के लिए खाने के बाद अगर वज्र आसन आप कर सकते हैं और फिर भ्रामरी प्राणायाम करें और अंत में शव आसन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत खूबसूरत होता है। ऐसा करते करते आपको सो जाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे उपाय होते हैं सोने के पहले, आप ज्योतिष में कर सकते हैं, लेकिन आपको खास करके दो शब्द हैं आपको बोलने चाहिए सोने के पहले। कहा जाता है कि श्री कृष्ण शब्द खुद में एक मंत्र है और शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के नाम को मंत्रों का जप करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है और इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं और इनके स्मरण मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि जिस मनुष्य को धन संबंधित परेशानियां हो, अगर आपको हर समय सोने के पहले पैसे की चिंता खाती है तो 7 अक्षर वाले एक छोटे से मंत्र का जप करने से समस्त सिद्धियों के आप स्वामी बन सकते हैं। और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस मंत्र का 125,000 जाप पूर्ण कर लेता है उसके पास धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। धन संबंधी समस्याएं जितनी जीवन में होती है वो समाप्त हो जाती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। मंत्र कौन सा है? गो वल्लभाय स्वाहा। क्या बोलेंगे? गो वल्लभाय स्वाहा। मात्र 2 शब्द का ये मंत्र आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस मंत्र को बोलते समय आप गलत शब्दों का उच्चारण ना करें। उच्चारण के समय एक भी अक्षर गलत नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए धीरे धीरे पढ़ें। आप इस मंत्र को कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में बोल सकते हैं और मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि 125,000 बार आप इसका उच्चारण करें। ध्यान रखें, इस बात को किसी को बताएं नहीं, नहीं तो ये उपाय निष्फल हो जाता है। ये सभी उपाय चुपचाप बिना किसी को बताए सोने के पहले आप करें तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है। इस प्रकार भगवान का स्मरण करके अगर आपको भी नींद की समस्या आए तो ये करते हुए, 2 मंत्र को बोलते हुए आप सो जाएं दोस्तों, और फिर देखेंगे कैसे आपके जीवन में खूबसूरत सी बहार आती है। इसके साथ ही इन उपायों के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह मन में ना करें, पूरी तरह से आस्था रख करके इस उपाय को करें। विश्वास का उपाय है, इसको करते जाएं और अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इनको ज़रूर शेयर करें। जिनको भी नींद की समस्या है, टेंशन से सोते नहीं है, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।